हर एक राजनीतिक दल को अपना संकल्प लेने का अधिकार है, जिससे उनके कार्यकर्ता उत्साहित हो। वह यह बताता है कि अपराध के आंकड़े बढ़ रहे थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई है। प्यार करे या घृणा करे, नीतीश कुमार जी को इनकार कोई नहीं कर सकता। ना कोई समीकरण नहीं बिगड़ेगा। जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में यह सरकार है, ना कोई फर्क नहीं। ऑल इज वेल। बिहार की सत्ता का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरह से लंबे अरसे से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार बने हुए हैं, तो यह बात अब बीजेपी को रास नहीं आ रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुले मन से यह कहते हैं कि हमने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन जरूर किया है, लेकिन हमारा संकल्प साफ है कि एक दिन बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे साथ जदयू MLC सह प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, खुले मन से साफ तौर पर चुनौती दी जा रही है कि हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया नहीं है, माना है, और एक दिन बीजेपी की सरकार बनेगी, यह संकल्प साफ है। हर एक राजनीतिक दल को अपना संकल्प लेने का अधिकार है, जिससे उनके कार्यकर्ता उत्साहित हों। सवाल राज्य के मुख्यमंत्री पद का है और साथ निश्चय पार्ट 2 का है। ये तो केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ है, उनके निर्देश पर हुआ है। साथ ही साथ यह जानकर भी आपको आश्चर्य होगा कि गठबंधन टूटने का जो कारण में एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि स्टेट क्राइम ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है वह यह बताता है कि अपराध के आंकड़े बढ़ रहे थे। तो हमारे लिए तो गवर्नेंस चुनौती होता है। और माननीय नीतीश कुमार जी तो राज्य में आज़ादी के बाद सर्वाधिक काल तक के मुख्यमंत्री रहे, इसलिए हर एक राजनीतिक दल को अपना एजेंडा तय करने का अधिकार है। लेकिन बिहार में जो NDA गठबंधन की सरकार है, वह साथ निश्चय पार्ट 2 पर चल रहा है, जो 2020 की जनता का जनादेश है और उसके अनुकूल नेतृत्व में भी माननीय नीतीश कुमार। लेकिन नीरज जी, बीजेपी का इशारा साफ तौर पे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की ओर है। सम्राट चौधरी उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि 25 में नीतीश कुमार नहीं, बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री होगा। अरे 25 में क्या होगा, ये तो अभी 24 में ना पहले लड़ेंगे हम लोग। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई है, उस लड़ाई को ना जीतना है, 40 में 40 सीट जीतना है। उसके बाद नहीं, एक केंद्रीय नेतृत्व हमारी पार्टी का हो, चाहे हम पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, तय करेगा। लेकिन गठबंधन में रहकर इस तरह से आंख दिखाना, खुले मन से चुनौती देना कहां तक सही है? आंख दिखाना नहीं कहिएगा, इसको कहिएगा कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना। और नीतीश कुमार जी इस बिहार की राजनीति में कोई प्यार करे या घृणा करे, नीतीश कुमार जी को इनकार कोई नहीं कर सकता है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि जंगल राज को हटाना था, मतलब साफ था उनका कि RJD को सत्ता से हटाना था, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने फिर से मुख्यमंत्री माना। तो बताया आपको कि स्टेट क्राइम ब्यूरो के आंकड़े इस बात के गवाह बन गए कि अपराध के आंकड़े बढ़ने लगे, तो हमारे लिए चिंता का विषय था कि जिस बिहार में लोग निर्भीक रूप से रह रहे हैं, वहाँ अगर इस ढंग के अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हों, तो हमको राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार है। तो हमने राजनीतिक निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से का संपर्क हुआ और उसके आधार पर गठबंधन की सरकार चली। मतलब जदयू यह बात मान रही है कि अगर जदयू RJD के साथ सरकार में रहती है तो क्राइम बढ़ जाता है, बीजेपी के साथ रहती है तो क्राइम पर कंट्रोल रहता है। इस बार के दौर में तो यह देखा गया, स्टेट क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड में है, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, वह स्टेट क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं कि अपराध के आंकड़े बढ़े, तो हमने इसको राजनीतिक चुनौती के रूप में लिया। जिस तरह से सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता मौन हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सिर्फ एक नेता सम्राट चौधरी खुले मन से तमाम नेता पर भारी पड़ रहे हैं, क्या लगता है कि कुछ समीकरण बिगड़ भी सकता है? ना कोई समीकरण नहीं बिगड़ेगा। जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में यह सरकार के निर्देश पर यह सरकार चल रही है, तो कोई समीकरण नहीं बिगड़ेगा। मतलब आप साफ यह कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनके नीचे कोई बीजेपी में नहीं है, नीतीश कुमार उनके नीचे नहीं सुनते? भाई सीधे केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में ये सारा काम हुआ है, ये तो सर्वविदित हो चुका है। ये सर्वविदित है तो कहाँ कोई परेशानी है, फ्लोर टेस्ट में भी हम सफल होंगे। मतलब नीतीश कुमार सिर्फ बीजेपी के शीर्ष लीडर से बात करते हैं? भाई बीजेपी जनता दल यू को राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किससे बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। सम्राट चौधरी के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? ना कोई फर्क नहीं, ऑल इज वेल। तो चलिए, निश्चित तौर पर बिहार में NDA की सरकार बन गई है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं,
लेकिन उत्तराधिकारी कौन होगा इस पर बीजेपी ने तंज कसा है और साफ तौर पे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार को हमने एक बार फिर से मुख्यमंत्री माना है, लेकिन हमारा संकल्प साफ है कि एक दिन बीजेपी की सरकार बिहार में हम बनाएंगे। और जदयू का साफ तौर पे इस पर कहना है कि हम लोग इंटैक्ट हैं और नीतीश कुमार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात करते हैं, बाकी कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।